जॉब करती हूँ एचआर। अरे मैं वहां जाऊंगा तो पैसे फ्री में हो जाएगा मेरा टूर। जरूर जरूर। जय शिव शंभू और द्वार वेदी व्लॉग्स। हाँ जी वो तो मैंने देखी है। हाँ जी हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये आपका चैनल वेदी व्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा चंद्रशिला, यहाँ हम, और पिछले व्लॉग में आपने दर्शन किए होंगे चंद्रशिला के। तो अब जा रहे हैं भाई नीचे, जाते जाते एक बार तुंगनाथ दर्शन करके और फिर जाएंगे। ये जो पत्थर हैं, हाँ, इनकी ज्योति से ना आंखों की जो ज्योति यहाँ पे जो चंद्रशिला है, हाँ जी, इसकी चमक से बरकरार रहती है आंखों की रोशनी हमेशा। अच्छा तेज होती है आंखों की रोशनी। हाँ जी। अच्छा तो भाई एक अच्छा सा शिला ढूंढ के ले जाना और चश्मे की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलते चलते मैं उतर रहा हूँ और मैम चल रहे हैं। कहाँ से मैम आप? मैं मुंबई से हूँ। अरे वाह, मेरा ड्रीम है मुंबई आना। जरूर आओ कभी भी। कहाँ से? मुंबई में कहाँ से? मुंबई नवी मुंबई। अच्छा प्रॉपर। तो क्या करते हो आप? मैं जॉब करती हूँ एचआर। अरे मैं वहां जाऊंगा तो पैसे फ्री में हो जाएगा मेरा टूर। जरूर जरूर। रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। अरे नहीं आप मिल लेना, वही काफी हो जाएगा। और भाई मेरी चप्पल टूट गई है, मैम ने आइडिया दिया वीडियो बनाने का। टेक केयर मैम। टूट गई थी मेरी, इसलिए नंगे पैर आ रहा हूँ। अरे बहुत मस्त है यार रास्ता, लेकिन आप ना, हम शॉर्टकट लिया हमने, आप शॉर्टकट मत लेना क्योंकि हाँ रिस्क है, बहुत रिस्क है भाई। हाँ और आपने जूते पहन रखे हैं, पैर बाई चांस पैर फिसल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे भाई। हाँ ये रास्ता ठीक है ना? हाँ ये रास्ता से जाओ और इसी से आना। और कितने दूर है यहाँ से? है तो पास ही लेकिन मतलब लगेगा दूर। नहीं आप ना अगर व्यू नहीं आए ना, आप 10 मिनट बैठ जाना। आज चंद्रशिला से पीछे है एक शिवलिंग छोटा सा, उसके पास बैठ जाना। आप 10 मिनट बैठोगे ना तो दिख जाएगा व्यू। हाँ मेरी चप्पल निकल गई भाई। अंकल बोल रहे वीडियो बनाओ। और ये देखो मैं ना अभी आपका चप्पल सही करके देता हूँ आपको, फिर ये लगकर पकड़े रहना। अरे निकल चप्पल कर दी ठीक। ये लो। कहाँ पड़े हो अंकल आप? मैं हाँ आड़ीबाड़ी में। आड़ीबाड़ी आड़ीबाड़ी में फोग और बढ़ गया है, रास्ता भी नहीं दिख रहा, मतलब बहुत कम दिख रहा है और फोग उड़े जा रहा है, आपास आ रहा है। और एक राय क्या दोगे अंकल आप? बोलो क्या राय दोगे जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं? यहाँ आने वाले भाई शॉर्टकट ना ले, सीधे जो रास्ता बना हुआ रास्ते से ही जाएं। हाँ। इसलिए जान है तो जहान है। हाँ। हाँ। क्योंकि भाई हमने शॉर्टकट लिया था और पैर फिसल रहे बहुत तगड़े वाले, क्योंकि ओस है ना। और आते टाइम तो बिल्कुल भी ना ले, जाते टाइम तो एक दफा अगर मौसम क्लियर है तो आप ले लो, आते टाइम तो भाई बिल्कुल भी ना ले। मजबूरी का या नाम इंदिरा गांधी क्यों बोला है? इसलिए क्योंकि जिसको प्यास लगी है वही पानी का महत्व जान सकता है। और वहां देखो पानी टपक रहा है, उससे बोतल भर के हम पियेंगे। ऑक्सीजन नहीं है, बेस्ट सीजन। नहीं जिस सीजन में जब बाबा ने बुला लिया ना, सबसे बेस्ट सीजन वही है। अगर मान लो बुलाए ना तो घर पे कौन सा बेस्ट सीजन ये है? बताओ जो आधी रास्ते से लौट जा रहे हैं। हाँ। बाबा उनको बुलाए तो हाँ, लेकिन लौट तो गए बेचारे, नहीं दर्शन हुए हम लोग। हम कितने भाग्यशाली हैं भाई। ये नहीं कहना चाहिए मौसम है नहीं, सावन के बाद भादो में आ जाओगे कोई मतलब होता है? पंडित घर की सरकार थोड़ी है। वापिस हम तुंगनाथ मंदिर आ गए हैं, तो एक बार जाते टाइम फिर दर्शन कर लें। हाँ 2 घंटे लग जाएंगे नहीं, अरे पास में थोड़ी है, नहीं आने में जल्दी आ जाओगे। एक बार वापस दर्शन कर लें। वापस तुंगनाथ बाबा के दर्शन करके चलते हैं। देर बैठ जा, और भीड़ बढ़ गई है। जय शिव शंभू और द्वार फिलहाल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि शायद भोग का टाइम हो गया होगा। और देखो
यहाँ से जितना साफ मौसम होता जा रहा है वहाँ पे उतना ही फोग उड़ के और उधर जमा हो रहा है। ये एक झोपड़ी है, आप यहाँ फोटो ले सकते हो भाई, अच्छा व्यू है, लेकिन यहाँ से फोग उड़ के वहाँ जा रहा है। देखो जो हिम्मत हार जाते हैं उनको इनसे सीख लेनी चाहिए, दादी से। दादी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं क्यों तो मजा आ रहा है, बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं दादी के साथ। नहीं मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे तो। अच्छा, हाँ ठीक हो दादी? ठीक है, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, आ गए पास अब तो बिल्कुल। वेदी व्लॉग्स, हाँ जी, वो तो मैंने देखी है। हाँ जी भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? थैंक यू मैम, आराम से जाइएगा दादी। हर हर महादेव दादी। और अब आप भाई व्यू देखो एक बार, कितना ऑसम व्यू है, कितना ऑसम व्यू है। देखो वहां फोग है लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आते टाइम तो भाई बहुत फोग था। तो भाई चलते चलते मिले हैं क्रिएटिव हितेश, और आप एक चीज देख के बताना भाई की सेल्फी स्टिक कैसी लगी। सेल्फी स्टिक यार मेरा दिल आ गया, मैं लेके भागने का मन कर रहा है, देख सकते हो यार। तो मतलब लकड़ी से बनाई हुई है यार, बहुत औसम है यार, बहुत औसम है भाई। तो दोस्तों बंदा भी कमाल का यार, क्रिएटिव हितेश भाई। घोड़ा स्टैंड और ये आने जाने के 1300 रुपए चार्ज करते हैं। तीन आदमी का पर्ची की किया था। और भाई मतलब जवान जवान बंदे भी 18-18 20-22 साल के भी घोड़ों पे जा रहे हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि आप फिट कितने हो। जो जिम करते हैं वो भी घोड़ों पे जा रहे हैं, तो ये सबसे गलत चीज़ है भाई। पैसा सब कुछ नहीं होता, खुद की सेहत का भी पता चलाओ। फाइनली भाई तुंगनाथ बाबा की और चंद्रशिला की यात्रा कम्प्लीट हुई, और अब हम शायद रेस्ट करके और फिर निकलेंगे केदारनाथ के लिए। और भाई केदारनाथ जाते टाइम किचन का टेंडर मलिक साहब के पास अपना गैस चूल्हा साथ में लेके आए हैं। गाल लो भाई, गाल लो थोड़े थोड़े, आए हाय गच बना दी भाई। दीपक तो हम भाई तुंगनाथ से आ रहे थे, तो बीच में गुप्तकाशी में बहुत सारा जाम था, मतलब बहुत लंबा जाम था, और फिलहाल फाटा में है। लेकिन क्या बताऊं भाई साहब, भाई साहब लैंडस्लाइड हो गया, 5 किलोमीटर लंबा जाम है, आज खुलने के कोई चांस नहीं है। कमरा मिलता है तो कमरे में सो, नहीं तो अपने गाड़ी में सो आराम से। अच्छा ठीक है, चलो भाई फाटा में भाई लैंडस्लाइड हो रही है, तो मतलब आज यहीं रुकने का प्लान देखेंगे क्योंकि सुबह 8 बजे तक रोड क्लोज। और मिलते हैं भाई आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय बाबा दयाल, जय श्याम बाबा, बाय बाय।